आज के इस वीडियो में बताने वाले कि बिहार में आप वृद्धावजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसको वृद्धावजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उसको मंथली सरकार के द्वारा सहायता दिया जाता है वृद्धावजन पेंशन को। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे पेंशनधारी के लिए आवेदन किस तरह करेंगे और उस पेंशन का लाभ किस तरह ले पाएंगे, वो भी ऑनलाइन बिना कहीं जाए। टोटल वर्क आपको ऑनलाइन ही करना होगा, इसलिए ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे रजिस्टर फॉर MVPY मुख्यमंत्री वृद्धावजन पेंशन योजना, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना हो, जो भी आपका जिला वो सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना, जो भी आप ब्लॉक वो सेलेक्ट करेंगे। और योजना यहाँ पे लिखा रखें, यहाँ पे आपको EPIC नंबर देना, यानी कि अपना पहचान पत्र नंबर देना। उस पहचान पत्र नंबर को आप क्लिक है टू वेरीफाई EPIC डिटेल में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ये EPIC नंबर आप ही का है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। इस लिंक पे क्लिक करके आपको EPIC नंबर से आपको अपना पूरा डिटेल भी निकाल सकते हैं। EPIC नंबर देंगे, उसके बाद मतलब वोटर आईडी कार्ड पे आपका कौन सा नाम वो नाम देंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे जिसका आप वृद्धावजन पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड पे क्या नाम है वो देना होगा। ये नाम आधार कार्ड के हिसाब से दीजिएगा, जब तक ये मैच नहीं करेगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। आधार नंबर देने के बाद आधार में जो नाम वो देंगे, उसके बाद जो आधार में डेट ऑफ बर्थ सेम चीज़ आपको देना होगा। याद रखिए आधार की डिटेल जब तक मैच नहीं होगी तब तक ये आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा। पूरा डिटेल देने के बाद वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ पे आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा और बेनिफिशरी का नाम यहाँ पे आपको फुल नाम शो कर जाएगा। यहाँ पे बेनिफिशरी का आपको फुल नाम शो कर जाएगा, यहाँ पे उसके फादर या हस्बैंड का नाम देंगे, उनके मदर का नाम देंगे और एज यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना, किस जाति के जेंडर SC ST जो भी जाति के वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना, रूरल अर्बन जो भी एरिया उसका पंचायत देंगे। पंचायत देने के बाद आपको अपना जो भी गांव है विलेज वो देंगे, तो यहाँ पे चलिए गांव विलेज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड आ जाएगा सेलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस एड्रेस वाले वार्ड आ रहा है तो वार्ड को सेलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में एड्रेस पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे, यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड देंगे, उसके बाद इसको डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आधार कार्ड पे जो नाम है वो आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड पे जो नाम वो आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करना, जो भी बैंक का अकाउंट है वो दे सकते हैं, जो बिहार का किसी बैंक का होना चाहिए अकाउंट, तो बिहार का जो भी बैंक है उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक को चलिए बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी बैंक है वो बैंक यहाँ पे चलिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम आ जाएगा, जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा वो ब्रांच का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद IFSC कोड ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर देंगे, उसी अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे। अकाउंट नंबर देने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका आधार दस्तावेज मांग रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है, PDF में जिसकी साइज 200 KB से कम होनी चाहिए, साथ साथ यहाँ पे आपको बैंक पासबुक, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिसकी साइज 200 KB से कम होनी चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो आधार कार्ड को अपलोड करेंगे PDF में होना चाहिए, 200 KB से कम इसकी साइज होनी चाहिए। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड करेंगे, यहाँ पासबुक को अपलोड करेंगे जिसकी KB 200 KB से कम होनी चाहिए और वो PDF में होना चाहिए। इसी तरह भी यहाँ पे एक सहमति पत्र आपको अपलोड करना होगा, सहमति पत्र कैसे आपको कहाँ से मिलेगा वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, और उसको किस तरह रेडी करना है वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो यहाँ पे सहमति पत्र आपको अपलोड कर देना होगा जिसकी KB 200 KB से कम होनी चाहिए और PDF में होना चाहिए। चलिए उसको भी सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक पासवर्ड साइज की फ़ोटो आपको देना होगा जिसकी KB 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे पासवर्ड फोटो को अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र को अपलोड करेंगे PDF में जिसकी साइज 200 KB से कम होनी। चलिए ये अपलोड हो चुका है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड होने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह ओके पे क्लिक करेंगे।
ओके चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर डिटेल में कुछ गड़बड़ी लगता है तब एडिट एप्लीकेशन में क्लिक करके उसको चेंज कर सकते। चलिए यहाँ फाइनल सबमिट करते, मेरा सब डिटेल सही है, फाइनल सबमिट, यहाँ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया गया है। तो यहाँ पे बताया यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एस डेट ऑन इतना को सबमिटेड हो चुका है और सेंड फॉर पंचायत मतलब पंचायत में वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको प्रिंट रिसिप्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन में जो नीचे में आपको दिखने को मिल रहा है, डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद इसको आप कस्टमर को दे सकते। आप सक्सेसफुली, ये आपका रसीद हो गया, आप सक्सेसफुली वृद्धाजन पेंशन के लिए आवेदन कर चुके हैं, आपका आवेदन सक्सेसफुली हो चुका। आप उसके बाद कभी भी इसी वेबसाइट पर आएंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट करना हो किससे आप देखना चाहते हैं, बेनिफिशियरी आईडी से, आरटीपीएस एप्लीकेशन से, या अकाउंट नंबर से, या आधार नंबर से, या मोबाइल नंबर से, या बीपीएल नंबर से, या वोटर आईडी कार्ड नंबर से, किसी भी एक नंबर से आप यहां से इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। जो भी देना चाहे उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहां पे हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पे जब मैं आधार कार्ड सेलेक्ट किया हूं तो आधार कार्ड का नंबर यहां पे दूंगा। आधार नंबर देने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है, यहाँ पे अभी पेंडिंग एट वीडियो लेवल, यहाँ वीडियो लेवल से पेंडिंग है, अगर अप्रूवल होता है तो रिमार्क में यहाँ पे दिखा देगा। तो ये तो हमारा एप्लीकेशन अप्लाई हो चुका है, स्टेटस भी हम इस तरह चेक कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं कि वो सहमति पत्र कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा। सहमति पत्र यहाँ पे डाउनलोड पाएंगे, डाउनलोड पाने के बाद मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको एक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ में आपको तीन पेज दिए गए, सबसे नीचे वाला पेज, तीन नंबर पेज, सहमति पत्र वन, पेज नंबर तीन को प्रिंट कर लेना, सहमति पत्र वन। यहाँ पे उसका फुल नेम देना, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर या अंगूठा लगाएंगे, यहाँ पे डेट देंगे। उसके बाद यहाँ पे तिथि देंगे, उसका नाम देंगे, पूरा पता, नीचे पहचानकर्ता, हम किसी का एक पहचानकर्ता के रूप में यहाँ पे उसका सिग्नेचर, नाम, पता दे देंगे। यहाँ पे आप वार्ड सदस्य वगैरह का भी, मुखिया वगैरह का भी करवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, या पहचानकर्ता हम किसी का भी करवा सकते हैं तो अपने वार्ड सदस्य का भी करवा सकते हैं, तब आपको ये रिजेक्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। यह आपका शपथ पत्र जो है वो रेडी हो गया, सिर्फ एक पेज का। इसमें आपको ना ही किसी भी बैंक से लिखवाना होता, ना ही कुछ करना होता आवेदन, ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होता, और ना ही इसका किसी हार्ड कॉपी कहीं पे आपको जमा करना होता है। यही था एक पूरा वीडियो वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने का। उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।